क्या ही 2011 के बाद 2023 में भारत ला पाएगा? जहां पर भारत में होगा मुकाबले, क्या वहां पर आएगा भारत के घर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप? ये जानेंगे इस वीडियो में हम। क्या आ सकता है ट्रॉफी इस बार, जो अब है दुनिया पे कब्जा, हमको है जमाना, क्या वो हो सकता है ये बार? ओडीआई फॉर्मेट क्या एक और बार जीत सकता है भारत 2011 के बाद? भारत का एक अनोखा स्टैट से बल्लेबाजों का कि सब बल्लेबाज टॉप 5 के सबका 50 से ऊपर का है औसत। ये है स्पेशल स्टैट्स जो आपको देखने मिलता है क्रिकेट में तारेमन में। अभी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के साथ रोहित शर्मा बल्लेबाजों का करे कर लेते हैं चर्चा। रोहित शर्मा 250 मुकाबले से ज़्यादा, 10,000 से ऊपर रन, 48 का औसत। शुभमन गिल 35 मुकाबले, 66 का औसत, 1,900 रन। और फिर विराट द रन मशीन, विराट द टन मशीन, एक रिकॉर्ड के भी नज़दीक है, उस पर भी ज़्यादा डाल देते हैं नज़र। 281 मुकाबले, 13,000 से ऊपर रन, 57 का औसत। और बात कर बताएं आपको 47 शतक के नाम है। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर का 49 है ओडीआई के अंदर। क्या ये वर्ल्ड कप में उनके रिकॉर्ड के पास जा सकते हैं विराट? श्रेयस अय्यर 47 मुकाबले, 1,800 से ऊपर रन, 46 का औसत, 97 का स्ट्राइक रेट, 3 शतक के नाम है। अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में शतक बनाकर आए हैं, वापसी का संगनाथ बजा के आए हैं। सूर्य कुमार यादव 30 मुकाबले, 667 रन, 27 का औसत, एक भी शतक नहीं है ग्राम। लेकिन हार्दिक पांड्या 82 मुकाबले, 1,700 से ऊपर रन, 33 का औसत। रविंद्र जडेजा गेंदबाजी में 204 विकेट्स इनके नाम है 186 मुकाबले में। अगर रिसेंट पास्ट की करें बात तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हल्की सी वापसी करते नजर आएंगे फॉर्म के अंदर। विकेट कीपर की करें बात तो केएल राहुल, जहां पर 61 मुकाबले, 47 का औसत, 2,200 से ऊपर रन इनके नाम है। ईशान किशन, ईशान शानदार किशन, 25 मुकाबले, 800 से ऊपर रन, 44 का औसत इनके नाम है। गेंदबाजों की करें बात तो शार्दुल ठाकुर 44 मुकाबले, 63 विकेट इनके नाम है। जसप्रीत बुम बुम बुमराह 78 मुकाबले, 129 विकेट, जो विकेट टेकर भारत के लिए महत्वपूर्ण गेंदबाज। कुलदीप यादव जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होंगे भारत की तरफ से मिडल ऑर्डर में, जो विकेट चटकाने में भारत को कर सकते हैं मदद, यहाँ पर बताएं आपको तो 152 विकेट इनके नाम है 90 मुकाबले में। मोहम्मद शामी 94 मुकाबले, 171 विकेट इनके नाम है, जहाँ पर 5 विकेट इन मैच इनका बेस्ट है। मोहम्मद सिराज 30 मुकाबले, 54 विकेट, 6 विकेट, 21 रन देकर अभी तो एशिया कप के फाइनल में आया था, श्रीलंका के विरुद्ध आया था और फाइनल के मंच में आया था। भारत में मुकाबले हैं, भारत अपने 9 जो लीग मुकाबले हैं 9 अलग अलग ग्राउंड्स में खेलेगा। शुरुआत करेगा ऑस्ट्रेलिया के सामने, चेन्नई का मैदान होगा वो तो, फिर अफगानिस्तान के साथ खेलेगा, फिर पाकिस्तान के साथ खेलेगा अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। भारत बनाम बांग्लादेश होगा फिर, जो खेला जाएगा 19 अक्टूबर, 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के विरुद्ध होगा, और फिर इंडिया इंग्लैंड का मुकाबला खेला जाएगा 29 अक्टूबर को। इंडिया श्रीलंका 2 नवंबर को टकराएंगे और 5 नवंबर को ईडन गार्डन में साउथ अफ्रीका के साथ दो हाथ करते नजर आएंगे। इंडिया नीदरलैंड्स आखिरी भारत का लीग स्टेज का मुकाबला 12 नवंबर को, जो 2 बजे से होगा। भारत का सभी मुकाबले डे नाइट मुकाबले हैं, एक भी डे मुकाबला भारत का भारत के अंदर नहीं है, यहाँ भारत नहीं है मुकाबले। 9 अलग स्टेडियम्स तैयार होगा हैदराबाद को छोड़ के, और बाकी सब जगह जो वेन्यूज हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए, सब जगह भारत पहुँचेगा। और अभी आप देख रहे हैं क्रिकेट बता रहे हैं, मैं बता रहे हैं का
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।